आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक फिर नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक स्पगेटी की रेसिपी है, लेकिन वो एक देशी तड़के के साथ बनने वाली है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज जो हम बनाने वाले हैं स्पगेटी, वो कुछ अलग तरीके से बनने वाली है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली है। तो चलिए बनाते हैं। आज हम जो स्पगेटी बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने रखा है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और ऑयल डाल के रखा है, और ये पानी जब एक बार थोड़ा उबल जाए इसके अंदर हम स्पगेटी डालेंगे। ये पानी यहाँ पे उबल रहा है, इसके अंदर में ये जो स्पगेटी आती है उसे मैं डाल देती हूँ और इसे हम बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए हमारी स्पगेटी रेडी हो गई है। ये थोड़ी सी अल डालते हैं, इसे मैं अब छान लेती हूँ पूरा, और इसका थोड़ा सा पानी मैं इसके बाद रखूंगी। ये मैं छान रही हूँ। ये जो स्पगेटी है इसे यहाँ पे मैंने एकदम चिल्ड पानी रखा है, इसके अंदर मैं ये सारी स्पगेटी डाल देती हूँ। ये ठंडे पानी में से भी मैंने इसे अच्छे से निकाल दिया है। ये देखिए ये एकदम एक दूसरे से चिपकी हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि ये जो आपने ठंडे पानी में से निकाली है, और थोड़ा सा आप इसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए, और तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकी रहेगी। और जब भी आप इसे बनाए तब तक ये ऐसे ही स्पगेटी रहेगी आपकी। तो चलिए आगे की प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पे मैंने बिना छिलके के ये पीनट्स ली है, इसे मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ, इसे हम क्रश करेंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली ली है, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये तीखी वाली ग्रीन चिली नहीं है, बहुत तीखी नहीं है ये, इसे हम क्रश कर लेंगे सबसे पहले। ये देखिए हमने पीनट्स और ग्रीन चिली क्रश कर दी है। ये हमने पूरा ऐसे पाउडर नहीं बना देना है, पेस्ट नहीं बना देना है, ऐसे हमें रखना है इसे। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे ऑयल, 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लेंगे हम। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम ये स्पगेटी देशी तड़का बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई ऑलिव ऑयल नहीं लिया है। आपके घर में जो भी ऑयल यूज करते हो वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंग तेल लिया हुआ है। इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ते, ये अभी थोड़ा गर्म हो रहा है। इसके अंदर डालेंगे हमने जो ये क्रश किया हुआ पीनट्स और ग्रीन चिली है, इसे हम हल्का सा इसमें सौते करेंगे। एक दो मिनट के लिए हम इसे सौते करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली थोड़ा ज्यादा लिया है, मेरे घर में थोड़ा तीखा खाते हैं, और वैसे भी आपके घर में जैसे खाते हो आप इतनी चिली ले सकते हो, लेकिन ये जो स्पगेटी हम बना रहे हैं वो थोड़ी सी स्पाइसी हो तो आपको अच्छी लगेगी, तो आप अपने घर में जैसे बनाना चाहे बना सकते हो। मैं थोड़ा मेरे घर में स्पाइसी बनाती हूँ। अभी एक दो मिनट हो गए हैं, इसके अंदर अब हम जो हमने बॉईल करके स्पगेटी रखी थी इसे हम डाल देते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्पगेटी हम 2-3 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है। इसके अंदर ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे हम वापस मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारी स्पगेटी रेडी भी हो गई है। ये देखिए, ये स्पगेटी आप घर पर जरूर ट्राई करें। ये आप सुबह ब्रेकफास्ट में खाए, हाई टी में बनाए, डिनर में बनाए, ये बहुत टेस्टी लगती है, आप जरूर इसे ट्राई करना। ये जो हमने स्पगेटी का पानी रखा था ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपको लगे कि ये थोड़ा मॉइस्चर जरूरी है तो आप इसे जरूर डालें थोड़ा सा।
इसे हम निकाल लेते हैं गर्मा गर्म और इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। ये हमारी गर्मा गर्म स्पगेटी देशी तड़के के साथ रेडी है। मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये कैसी लगती है। ये टेस्ट में बहुत बढ़िया लगती है, मैं तो मेरे घर में बहुत बनाती हूँ, आप भी आपके घर में ट्राई जरूर करें। ये बहुत यम्मी है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप घर में बनाते हैं और इसका पिक्चर लेके मुझे जरूर टैग करें और पुलिस क्रिएटिव फूड टैग में आपकी कमेंट जरूर लिख कर भेजें। थैंक यू दोस्तों।